Hello everybody. Namaskar. I am Dr. Mukesh Parikh and I am ready with the next video. This is based on the literary terms mentioned in M.H. Abrams' Glossary of Literary Terms. So this is the second video in that series, and today's term is aestheticism, as it is written, aestheticism or the aesthetic movement. Now, why we call it, हम इसको movement क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो aestheticism का अर्थ होता है सौंदर्य, beauty से संबंधित, खूबसूरती से, जैसे कि आप slide में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है the cult of beauty. Cult का मतलब होता है जिससे culture start हो जाए, cult root है culture की. तो अब इस बारे में मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे start करूं. सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं M.H. Abrams की लिखी हुई वो जो book में से exact language मैंने ली है, इसको समझाने से पहले मैं अपनी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है फटाफट से ज्वाइन कर ले ताकि उसको बेनिफिट हो जाए और वो आने वाले नेट के लिए अच्छे मार्क्स लेकर के हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले. अब बात करते हैं कि एस्थेटिसिज्म जो स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, वो एक्चुअल में पूरे यूरोप के अंदर ही हुआ था. और इसमें एक बेसिक चीज ये मान के चलिए आप कि जो रियलिस्ट फिक्शन चल रही थी उस वक्त, जो भी नॉवल लिखा जा रहा था उसमें रियलिज्म पे काफी जोर था. तो कुछ कलाकारों ने, चाहे वो पेंटर्स हों चाहे वो लेखक हों, उन्होंने ये कहा कि कोई मॉरल कंसर्न नहीं होना चाहिए लिटरेचर का. मतलब जिसमें अभी आकर थोड़ी देर में मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, ये देखिए लाइन लिखी हुई है, ल आर्ट पॉर ल आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, कला केवल कला के लिए होनी चाहिए. ये एक स्लोगन मान लीजिए आप, कैच फ्रेज मान लीजिए, अम्ब्रेला टर्म मान लीजिए, जिस पर एस्थेटिसिज्म टिका हुआ है. अर्थात एक कवि या एक नॉवलिस्ट, एक लेखक जब लिखता है तो आप उससे ये सवाल ना करें कि वो नैतिकताओं का ध्यान रखे. जब वो लिख रहा है या वो पेंटिंग बना रहा है तो वो केवल अपने आप को सौंप देगा आर्ट को, कला को समर्पित हो जाएगा. अब कलाकारी उससे क्या करवाती है ये कला को देख करके हमें पता चलेगा. अब मैं इसकी एग्जैक्ट हिंदी करता हूं समझाने के लिए कि एस्थेटिसिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट वॉज अ यूरोपियन फिनोमेना. ये एक यूरोपियन फिनोमेना था ड्यूरिंग द लेटर 19th century दैट हैड इट्स चीफ हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस. ये तो सिंपल लैंग्वेज है कि भाई इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में था और वो लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. सेकंड पॉइंट है, इन ऑपोजिशन टू द डोमिनेंस ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग. यहां पे मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी कि जब आपको मालूम है कि 1859 में डार्विन की जो बुक छपी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसके आसपास और भी कई सारे जो साइंटिस्ट थे वो इस तरह से काम कर रहे थे कि पूरे यूरोप में एक साइंटिफिक थिंकिंग ने जन्म लिया. And in defiance of the widespread indifference or hostility of the middle class society of their time to any art, और defiance का मतलब वो ना मानने लगे, defy करने लगे किसको, चारों तरफ जो एक widespread indifference फैल गया था. Indifference का मतलब जब इनको कोई लेना देना नहीं था लोगों को, और वो एक तरह से आक्रामक हो गए थे. Hostility मतलब आक्रामकता, और middle class के जो लोग होते थे society के, उनको ऐसा लगता था उस समय के, यानी उस समय कौन सा, यानी कि लेटर विक्टोरियन पीरियड, टू एनी आर्ट, कि किसी भी आर्ट के अंदर वो उस आर्ट से बेखबर रहते थे, उनको आर्ट से कोई लेना देना नहीं था. दैट वाज नॉट यूजफुल और डिड नॉट टीच मॉरल वैल्यूज, क्योंकि विक्टोरियन एज के लोग मानते थे कि आर्ट वही आर्ट है जो कोई नैतिकता सिखाए. हमारे हिंदुस्तान में भी ये मान्यता अभी तक है. जैसे लॉकडाउन पीरियड में जो रामायण हमने प्रसारित की डीडी वन वालों ने, तो हमने देखा कि हमें लगता है कि भाई रामायण देखना चाहिए, हमें ऐसे सीरियल देखने चाहिए जिनमें कुछ इंसान की नैतिकता ऊपर उठे. तो उस वक्त भी एक ये वैल्यू चल रही थी. तो फ्रेंच राइटर्स डेवलप्ड द व्यू दैट अ वर्क ऑफ आर्ट इज अ सुप्रीम वैल्यू, कि आर्ट का जो वर्क होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई कहानी हो, नॉवल हो, कविता हो, उसकी जो सुप्रीम वैल्यू है, सबसे अधिकतम जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, among human products precisely because it is self-sufficient. लेकिन फ्रेंच राइटर्स ने क्या व्यू डेवलप किया कि आर्ट का सबसे बड़ा मूल्य तब माना जाता है जब वो अपने आप में परिपूर्ण हो, अपने आप पर ही निर्भर हो, सेल्फ सफिशियंट हो, एंड हैज नो यूज और मॉरल एम आउटसाइड इट्स ओन बींग.
और उसका नैतिकता के नियमों से या लक्ष्यों से कोई लेना देना ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं कोई जैसे कोई हीरोइन है और वो अपने रोल के डिमांड के हिसाब से सीन में मान लीजिए वस्त्र त्यागती है, अब आप उसको ये दोष नहीं दोगे कि ये हीरोइन खराब है क्योंकि वो कह रही है कि मैं कलाकार हूं और मैं कलाकार होने की वजह से जैसा मुझे कला ने डिमांड की मैंने उस तरह से उस सीन को प्रस्तुत किया। तो ये बात हमारी समझ में आती है। आगे है थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं, द एंड ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट इज सिंपली टू एग्जिस्ट। एक लक्ष्य, एंड मतलब लक्ष्य किसी वर्क ऑफ आर्ट का क्या है कि वो एग्जिस्ट करे, वो रहे इन इट्स फॉर्मल परफेक्शन। वो एक परफेक्ट होना चाहिए, एक फॉर्मल का मतलब है एक औपचारिक तौर पर वो परफेक्ट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। दैट इज अर्थात टू बी ब्यूटिफुल, कि अगर कोई चीज हम खूबसूरत बना रहे हैं या वो है, एंड टू बी कंटेम्पलेटेड या हम उसके बारे में मनन कर रहे हैं एज एन एंड इन इटसेल्फ। अगर हम केवल आर्ट देख रहे हैं, अगर हम जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देके समझाता हूं, हम फिल्म देखने गए, अब आप फिल्म देखने गए हो तो फिल्म को फिल्म तक सीमित रखिए ना, फिल्म को आप जीवन में क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये तर्क कलाकारों की तरफ से दिया जा रहा है कि कला का जो काम है वो कला तक सीमित रहना चाहिए। रैलिंग क्राई, रैलिंग क्राई का मतलब क्या होता है, सब मिलजुल कर जो एक ही बात कहते हैं जिसको उसको रैलिंग क्राई कहा जाता है। एस्थेटिसिज्म की क्या है, बिकेम द फ्रेज ला आर्ट पोर लार्ट, ये फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब है आर्ट फॉर आर्ट सिक, अर्थात कला केवल कला के लिए होनी चाहिए। सेकेंड स्लाइड में आगे पढ़ रहा हूं, द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ एस्थेटिसिज्म। अब आपको मालूम है कोई भी मूवमेंट जब हम देखते हैं हिस्टोरिकली तो वो अचानक से तो आता नहीं है, तो उसका कोई ना कोई इतिहास होता है। तो इस एस्थेटिसिज्म की हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं वो क्या हैं, आर वो है निहित है आर इन द व्यूज, वो उन विचारों में है प्रपोज्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट इन हिज क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये उनकी किताब है इमैनुअल कांट की लिखी हुई, जो कि एक दार्शनिक थे, 1790 में किताब आई थी। उन्होंने क्या लिखा था इस किताब में कि द प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस कंसिस्ट ऑफ अ डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब क्या होता है, निर्लिप्तता। जब आपको दो शब्द हैं अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब तो है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब है कि आपको लेना देना नहीं है। तो प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस कब होता है, जब आपको, अब ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस पे भी आपको एक लेक्चर अटेंड करना चाहिए कि आखिर हम किसी चीज को सुंदर समझते हैं, जब वो सुंदर समझ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं और हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तभी एक अच्छा एक्सपीरियंस माना जाएगा या प्योर माना जाएगा अगर हम निर्लिप्त होकर के उसको देख रहे हैं। अगर हम लिप्त होकर के देख रहे हैं, मान लीजिए हम उसमें अपने समय के जो मूल्य है, मान लीजिए मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम डेवलप करके और फिर उस आर्ट को देखें तो फिर हमें उसमें कई तरह की कमियां नजर आएंगी। जैसे मान लीजिए किसी भी हीरोइन का कम कपड़े पहनना फिल्मों में जब हम देखते हैं और उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है बताइए, हम समझते हैं शायद हम पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रसित हैं, शायद इसी वजह से हम एक औरत के नजरिए से उस चीज को नहीं देख पाते हैं कि एक औरत अपने शरीर के ऊपर अपना अधिकार समझते हुए किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रही है। तो जैसे अगर आपने वैल्यू जजमेंट कर दिया कि नहीं ये तो गलत है और ये सही है, तो वो फिर हम एस्थेटिक एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे। इसका मतलब अभी तो हमारे प्रेजुडिसेस अर्थात हमारे पूर्वाग्रह, हमारे जो बायसेस हैं, हमारी जो ओपिनियंस है, वो हमारे साथ अभी भी हमारे आंखों के ऊपर एक पर्दा लगाए हुए हैं, एक चश्मा चढ़ाए हुए हैं और हम उस चश्मे से ही उस वर्क ऑफ आर्ट को देख रहे हैं। तो ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस है एस्थेटिक वो कब होगा, जब आप डिसइंटरेस्टेड होंगे। डिसइंटरेस्टेड यानी बिना किसी लाग लपेट के आप उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। और आगे लिखा है एन ऑब्जेक्ट दैट प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक, और वो आनंद देता है वो वर्क ऑफ आर्ट, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, सिर्फ उसके खुद के लिए, उसके बाहर उसका कोई और मीनिंग अगर आप एसोसिएट करते हो, लिंक करते हो, निकालते हो कोई अर्थ, तो इसका मतलब है कि आप ओपिनियनेटेड हो, प्रेजुडाइज्ड हो, जजमेंटल हो, विदाउट रेफरेंस टू रियलिटी। आपको बाहर की रियलिटी से उसका कोई रेफरेंस नहीं देना है
और टू द एक्सटर्नल एंड्स ऑफ यूटिलिटी और मोरालिटी। हम सबकी आदत पड़ जाती है जब हमें यूनिवर्सिटीज में कोई अच्छे लेक्चरर्स जब लेक्चर नहीं देते हैं या हम बहुत अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो हमें एक चीज डेवलप नहीं होती हमारे अंदर, और वो क्या है कि हम हर चीज को बाहर से लिंक करते हैं, उसकी यूटिलिटी पर हम उसके ऊपर बेस्ड कर देते हैं कि इसका फायदा क्या। देखिए जिसे इसको भी मैं समझाता हूं कि हर चीज की यूटिलिटी नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई क्यों की, जैसे मैं आई एम डबल एमफिल, सो उन दिनों में इंटरव्यूज हुआ करते थे एग्जाम की जगह डिपार्टमेंट में, तो मैं जब दोबारा इंटरव्यू देने गया एक एमफिल करने के बाद दूसरी एमफिल करने के लिए, तो मेरे टीचर्स ने कहा कि यूटिलिटी क्या है, दोबारा क्यों करना चाहते हो, तुम्हें जॉब तो पहले ही एमफिल से ही मिल जाएगा। तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूं, सीखने के लिए मुझे इससे कुछ एनकैश नहीं करना है। तो मैंने ये पर्सनल उदाहरण देके समझाया कि कई बार क्या होता है, हम पूरे भारत में ये एक बीमारी लग गई है, आपने नोटिस किया होगा, हम कोई भी डिग्री सिर्फ इसीलिए लेते हैं ज्यादातर कि हमें ये दिखानी है, इसका मतलब उसकी यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम ज्यादातर चारों तरफ देख रहे हैं कि ज्ञान की कमी है और रटने वाले तोतों की भीड़ है ना, या हम हर चीज को मोरालिटी से आंक लेते हैं कि हर चीज में नैतिकता होनी जरूरी है। तो ये एक बार में हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि हम काफी ज्यादा ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एटमोसफियर में जी चुके हैं भारतीय लोग, इसीलिए हमें कोई भी बहुत फिल्म ऐसी जो बहुत सक्सेसफुल हुई है विदेश में या नहीं हुई है तो हम शायद उसको अभी भी मोरालिटी के चश्मे से देख रहे हैं। एज अ सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट, अब ये जो मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है, ये जो आंदोलन था एस्थेटिसिज्म का, सौंदर्य का आंदोलन, वो सेल्फ कॉन्शियस था, इसको पता था अपने बारे में। हाउएवर फ्रेंच एस्थेटिसिज्म इज ऑफन सेड टू डेट फ्रॉम थियोफाइल गॉटियर्स विटी डिफेंस। अब यहाँ पे एक नया नाम आपको सीखने को मिल रहा है, एक फ्रेंच राइटर हुए हैं, इन्हीं की बुक का मैंने आपको कवर ये बगल में दिखा रखा है, मैडमोज़ेल डी मॉपिन का, ये आपको नाम फेमस है, आपको दिख जाएगा, इसकी आप गूगल करके थोड़ी तलाश कीजिएगा। इन्होंने इसके पहले एक प्रेफिस लिखा था, प्रस्तावना इस नॉवल के पहले, जिसमें उन्होंने बड़ा विटिली, बहुत ही तेज दिमाग से, हाजिर जवाबी से बड़ा डिफेंड किया, बचाया ऑफ इज असर्शन दैट आर्ट इज यूजलेस। इन्होंने बताया कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है आर्ट। यूजलेस का मतलब है तुम हर चीज को यूज करके देखना चाहते हो तो आर्ट का कोई यूज नहीं है, आर्ट एक एक्सपीरियंस है और आपने एक्सपीरियंस लिया और वो चीज वहीं खत्म हो गई। आप उसको ये मत देखिए कि इससे मैं जीवन में सीखूंगा क्या, कमाऊंगा क्या, मैं बच्चों को सिखाऊंगा क्या, शिक्षा होना जरूरी है, नथिंग लाइक दैट। एस्थेटिसिज्म वॉज डेवलप्ड बाय बॉडिलेयर। अभी बॉडिलेयर फ्रेंच के बहुत बड़े राइटर हैं, हु वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडगर एलन पो। तो ये दो नाम सामने आ रहे हैं, एडगर एलन पो आपको पता है अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँ इनके बारे में, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां लिखी हैं, जैसे टेल टेल हार्ट हो गया, पर्लॉइंट लेटर हो गया, और बहुत सारी और अन्य कहानियां जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही हैं। लेकिन इनकी क्या योगदान है एडगर एलन पो का, इन्होंने लिखा कि इन्होंने इनको शॉर्ट स्टोरी का जनक कहा जाता है। क्या हुआ, एक अमेरिका में एक बार इन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी दो और वो फेल हो गई, वो नहीं बिकी, तो इनको एक चीज समझ में आई कि इसका मतलब है टाइम के हिसाब से आर्ट की वैल्यू हो सकती है। अर्थात इन्होंने शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी एक चीज खोजी कि एक सिटिंग में टाइम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, जैसे आज के जमाने में हमारे पास कम टाइम है तो आज की शॉर्ट स्टोरी का मतलब होगा डेढ़ दो पेज की शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उस जमाने में अगर आप एक घंटे बैठ सकते हो तो एक घंटे तक बैठकर अगर आप एक कोई कहानी पढ़ रहे हो तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट स्टोरी। ऐसी इनकी डेफिनेशन है। इन्होंने क्लेम किया था अपनी बहुत फेमस राइटिंग में जिसका नाम था द पोएटिक प्रिंसिपल की द सुप्रीम वर्क इज अ पोएम पर से। पोएम पर से मतलब एक पोएम पोएम होनी चाहिए, पोएम के बाहर मीनिंग मत ढूंढो। ए पोएम रिटन सोलली फॉर द पोएम सेक। कविता लिख रहे हो तो केवल कविता है, जरूरी नहीं कि ये बिक जाए या कि इससे कोई आदमी कुछ सीख जाए। इट वॉज लेटर टेकन अप बाय फ्लॉबर्ट मलार्मे। मलार्मे बहुत बड़े सिंबॉलिस्ट हुए हैं, फ्लॉबर्ट बहुत ज्यादा फेमस है, आपने मैडम बॉवरी का नाम सुना होगा, हमारे नेट में क्वेश्चन भी आया है उस पर। तो ये बड़े बड़े राइटर, ये फ्रांस के थे दोनों ही, एंड मैनी अदर राइटर्स, इन सब ने मिलकर के अपनी बुक्स के अंदर, अगर आप नैतिकता के तौर पे उनको नैतिकता की कसौटी पे अगर कसोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही भ्रष्ट राइटर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एडगर एलन पो ने बहुत हत्याएं वगैरह और खून वगैरह दिखाए, चोरी चकारी दिखाई है अपने शॉर्ट स्टोरीज में, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि हमने लिखा एंड वी क्रिएटेड समथिंग फॉर द टाइम बीइंग। अब आप उसके अंदर वैल्यू ढूंढोगे तो इसका मतलब है कि आप एक अलग नजरिए से
देख रहे हो। थर्ड स्लाइड पे हूं। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म द एस्थेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक वियर्ड इनटू द मॉरल एंड क्वाजाई रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। क्वाजाई का मतलब क्या होता है? मिथ्या, झूठा। क्वाजाई रिलीजियस डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत ऑफ लाइफ फॉर आर्ट्स सेक। एस्थेटिक जो सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन जो था आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए, वियर्ड इनटू वो किस और मुड़ गई? मॉरल और क्वाजाई रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ की तरफ मुड़ गई कि नहीं भाई, जो कहानी है, जो एस्थेटिक डॉक्ट्रिन है, वो केवल कला के लिए है। विद द आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड एज अ प्रीस्ट हु रिनाउंसेस द प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस इन द सर्विस ऑफ व्हाट फ्लॉबर्ट एंड अदर्स कॉल्ड द रिलीजन ऑफ ब्यूटी। अभी अपने आप में एक फ्रेज है, इन्होंने कहा था हमारा तो रिलीजन ब्यूटी है, यानी राइटर एक प्रीस्ट है लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल कंसर्न नहीं है, उसका ऑर्डिनरी एक्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक कलाकार है और वो केवल कला के लिए लिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमसे ये डिमांड मत करो कि हम तुम्हारे बच्चों को, जैसे अब शेक्सपियर लिखते थे तो आपने देखा होगा कि शेक्सपियर के जो ओरिजिनल ड्रामास की जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से वल्गर थी। अब अगर हम कोई फिल्म देखे और उसमें गाली गलौच हो, हम कहेंगे कि नहीं साहब ये तो काट दो, इसमें बीप की आवाज दे दो। इसका मतलब है आप नैतिकता के तौर पे जज कर रहे हो, जबकि असलियत में जब आप मजदूरों को देखोगे, कभी कभी आप बड़े ऑफिसर्स को देख सकते हो, स्टूडेंट्स को देख सकते हो, अपने साथियों को देखिए। हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है वो खुद भी बहुत गालियां निकालता हो। इसका मतलब है कि एक स्लैंग हमारे लाइफ का पार्ट है। तो अब अगर हम मान लीजिए एक ओरिजिनल इंसान देखना चाहते हैं तो हमें उसको उसकी गालियों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात इसलिए बताना बहुत जरूरी है बच्चों कि मुझे लगता है कि एस्थेटिसिज्म मूवमेंट से काफी लिंक है मॉडर्निज्म का, क्योंकि जब हम मॉडर्निज्म देखते हैं तो मॉडर्निज्म में जो कलाकार हैं, बड़े बड़े राइटर्स, पेंटर्स, वो खोखली नैतिकताओं को छोड़ करके खुले में आए, बाहर आए, उन्होंने बड़ा स्वीकार किया, अपने मन से स्वीकार किया। साइकोएनालिसिस जब आ गया तो उन्होंने मन से इस बात को स्वीकार करना शुरू किया कि हाँ, हम उन सब चीजों के बारे में लिख रहे हैं जो हमारे मन में है। अब मान लीजिए कोई आदमी केवल ब्यूटी के लिए लिख रहा है, जैसे आप ये एक कवर है, हालांकि ये वॉल्टर पीटर की बुक है, द रेनेसा स्टडीज इन आर्ट एंड पोएट्री, लेकिन अगर अब मैं ये कहें कि ना आप सब ये तो आधी नग्न औरतें दिखा रखी हैं, हम इनको नहीं देखते, तो फिर तो आपको इटली की किसी भी मूर्ति को नहीं देखना है, फिर तो आप हमारे मंदिरों के बाहर लगी हुई मूर्तियों को भी तोड़ दो, जैसा कि इस्लामिक लोगों ने तोड़ा भी था जब अटैक हुए थे टर्क्स के। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि ऐसे तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो भी एक लिंग के तौर पे आप देख सकते हो, हालांकि वो लिंग नहीं होता है, वो शिव का प्रतीक है, जो कि शिव और शक्ति मिलकर के एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एनर्जी का फ्लो है वो उसका प्रतीक है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मैं समझाना चाहता हूं कि इस पैराग्राफ का अर्थ है कि एस्थेटिक डॉक्ट्रिन में ये चीज शामिल हो गई जिनमें फ्लॉबर्ट और बड़े बड़े राइटर शामिल थे। इन्होंने कहा कि खूबसूरती ही हमारा धर्म है, हमसे आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मॉरल वैल्यूज को निभाने की जो हमसे आकांक्षा है उसको आप छोड़ दो। द व्यूज ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वाल्टर पीटर विद हिज एम्फेसिस ऑन हिज हाई आर्टिफिस एंड स्टाइलिस्टिक सटलिटी। सटलिटी का मतलब होता है एक गुप्त, एक छुपी हुई चीज। हिज रिकमेंडेशन टू क्राउड वंस लाइफ विद एक्सक्विजिट सेंसेशंस, एंड एक्सक्विजिट मतलब खास, सेंसेशंस मतलब संवेदनाएं, एंड इज एडवोकेसी, और उन्होंने वकालत की ऑफ द सुप्रीम वैल्यू ऑफ ब्यूटी, के खूबसूरती की ही सबसे अधिक मूल्य है जीवन के अंदर, एंड ऑफ द लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन सेक। अब देखिए ये राइटर भी जो वाल्टर पीटर हैं, ये भी माने जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आपको पता है रेनेसा की बात कर रहे हैं अपनी इस बुक में, आपको इसका एंड पढ़ना चाहिए, कंक्लूजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रेनेसा के रोमांटिसिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो वाल्टर पीटर का योगदान क्या है कि उन्होंने विक्टोरियन इंग्लैंड एक बहुत खतरनाक पीरियड है फ्रेंड्स, क्योंकि विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर दो चीजें, इसको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, कि एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा नैतिकता शो कर रहे थे, एक तरफ प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, एक तरफ वो कह रहे थे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, और एक तरफ जो स्लेवरी है वो बढ़ रही थी। आपको पता होना चाहिए क्वीन विक्टोरिया ने अपने अंडर ले लिया था सारी कॉलोनीज को 1857 की क्रांति के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा इंडिया जो है वो इंग्लैंड की कॉलोनी बन गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़े दो ऑपोजिट चीजें उस वक्त सामने आ रही थी। तो वाल्टर पीटर ने उस वक्त
आर्टिस्ट और आर्ट हाई आर्ट का मतलब ये लिया कि उसमें एक स्टाइलिस्टिक छुपी हुई खूबसूरती होती है, जिसको समझने का मतलब है कि हिज रिकमेंडेशन टू क्राउड वंस लाइफ विद कि आप भर लो, यहाँ पे क्राउड का मतलब है उन्होंने रिकमेंड किया कि आप भर लो अपनी जिंदगी को खास किस्म की सेंसेशन से। और उन्होंने वकालत की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज खूबसूरती है, जिंदगी में खूबसूरती नहीं है, आपका आर्ट के कला के प्रति प्यार नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, आपको कला को सिर्फ कला के लिए प्यार करना चाहिए। चौथी स्लाइड में मैंने ये चार तस्वीरें दिखा रखी हैं, ये अल्जरनॉन स्विनबर्न है, ये ऑस्कर वाइल्ड है, और ये आर्थर साइमन है, और ये है आपके ऑब्रे बियर्सले। ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इनको आप डिटेल में थोड़ा गूगल करिएगा। इन्होंने आर्ट नोवो नाम की एक चीज दी जिसपे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने इस आर्ट को आगे बढ़ाया था। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। द आर्टिस्टिक एंड मॉरल व्यूज ऑफ एस्थेटिसिज्म वर आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय अल्जरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न। अब ये जो आपको मालूम है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जैसे कि लिटरेरी टर्म्स के ऊपर मैं वीडियो बना ही रहा हूं लगातार, कि अल्जरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न जो है वो एक बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं विक्टोरियन एज के, और उन्होंने भी काफी ज्यादा न्यूडिटी, वल्गैरिटी, वॉलप्चुअसनेस, सेक्सुअल थीम्स पे लिखा। बाय इंग्लिश राइटर्स ऑफ द 1890s सच एज ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा। आपको पता है ऑस्कर वाइल्ड जो है वो अपनी होमोसेक्सुअलिटी के लिए भी फेमस हुए, उनको जेल हुई थी ऐसे करके रीडिंग इन द जेल उनकी फेमस वर्क है। और ये बड़े राइटर है जिनका इंपॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट बहुत फेमस ड्रामा है। आर्थर साइमंस फेमस हैं, लियोनल जॉनसन फेमस हैं, एज वेल एज बाय द आर्टिस्ट जे एम विस्लर एंड ऑब्रे बियर्सले। तो बियर्सले का जो कंट्रीब्यूशन मैंने बताई दिया, आर्ट नोवे, आर्ट मतलब आर्ट, नोवे मतलब न्यू, ये फ्रेंच वर्ड है। एंड पोस्टर स्टाइल्स जो उनके फेमस हुए, जिसमें ये आप इंटरनेट पे जाके आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैंने जानबूझकर इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाली हैं, ताकि मैं आपको ये जो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की ओरिजिनल लैंग्वेज है एज इट इज समझा दूं, ताकि आपको लगे कि कोई टीचर आपको एक एक लाइन समझा रहा है। तो ये चार पांच राइटर्स के नाम आए, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट एज पर एस्थेटिक मूवमेंट इज कंसर्न्ड। इन्होंने सब ने मिलकर के और एस्थेटिक मूवमेंट को आगे बढ़ाया। द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज स्ट्रेस्ड इन एस्थेटिसिज्म स्पेशली द व्यू ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। अब काफी देर तक हम ये बात कर रहे थे, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि एस्थेटिसिज्म का जो मूल था, मेन आइडिया क्या था, कि जो आर्ट है, वर्क ऑफ आर्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। The emphasis इस बात पे जोर देना on craft and artistry, कला और कलाकारी के ऊपर, and the concept of a poem or novel as an end in itself, कि उसका लक्ष्य, नॉवल का लक्ष्य केवल नॉवल है, पोएम का लक्ष्य केवल पोएम है। आप पोएम को ऐसे क्यों देख रहे हो कि ये बिकनी जरूरी है, या कि इसका बच्चों पे कोई पॉजिटिव असर होना जरूरी है। And as invested with intrinsic values, वो टर्म्स होती हैं intrinsic and extrinsic. Intrinsic का मतलब अंदरूनी, जो उसके अंदर values होनी चाहिए, has been important in the writings of prominent 20th century authors such as W.B. Yeats, T.E. Hume and T.S. Eliot. आपको मालूम है ये थोड़ा सा contradictory हो गया कि उन्होंने एस्थेटिसिज्म का जो इन्फ्लुएंस था आइडिया कि भाई आर्ट अपने आप में परिपूर्ण है और आर्ट का आर्ट से ही संबंध होना चाहिए, किसी और चीज से नहीं। ओके और ये सारी चीजें जो थी इस तरह के राइटर्स के बीच में थी, जैसे आप टी एस एलियट को देखेंगे। हालांकि टी एस एलियट थोड़े से डिफरेंट हो गए, क्योंकि इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वैल्यूज दी, तो ये आपको मैं न्यू क्रिटिसिज्म में समझा पाऊंगा टी एस एलियट को। लेकिन डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में हम समझ सकते हैं कि उन्होंने प्री रेफलाइट मूवमेंट में लिखा। आपको बताया एल्जरनॉन स्विनबर्न भी प्री रेफलाइट मूवमेंट में लिखा करते थे, ऐसा मूवमेंट है ये एस्थेटिसिज्म से ही, कुछ कुछ मैं इसको लिंक करूंगा, जिसमें वो वॉलप्चुअसनेस अर्थात सौंदर्य, क्योंकि जब हम सौंदर्य की बात करते हैं ना, खूबसूरती की, तो उसमें नग्नता भी आ जाती है, उसमें सेक्स भी आ जाता है। तो ये जो राइटर्स हैं ये इनके बारे में बात करते थे, और 20th सेंचुरी के राइटर्स एस्थेटिसिज्म के, ये जो राइटर्स हैं डब्ल्यू बी ईट्स, टी ई ह्यूम और टी एस एलियट, ये इससे प्रभावित थे।